अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर गुड़िया साहिबा और ये आज मैं आपको बता रही हूं कि नियासोमेटिक्स कैसे करनी है। ठीक है, अगर आपको घुटने में दर्द है या कोई मसला है घुटने में तो आप नियासोमेटिक्स कर सकते हैं। हाँ, जिसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कुछ कंडीशन में नहीं कर सकते, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम नियासोमेटिक्स का सही तरीका कर क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट। आप पेशेंट से कहें कि अपनी नी ऊपर करें, देन आप ब्लैडर उसमें नीचे रख दें नीचे, और फिर पेशेंट से कहें कि फोर्स लगाएं, फोर्स आपने डाउनवर्ड लगानी है। ठीक है, और फोर्स लगाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका हील है आपकी वो बेड से ऊपर ना हो, बेड के साथ टच हो रही हो। जी स्टार्ट करें, रिलैक्स स्टार्ट, नी जो है वो सही फोर्स लगाए डाउनवर्ड। जी हाँ, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एंकल पंपिंग। जब पेशेंट कहना है अपने पाँव चलाओ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, अगर ना को समझ आए तो अपने हाथ से आप इशारा करके बता सकते हैं कि अपने पाँव चलाएं। जी बिल्कुल, पहले सेंटर में लेकर आए रेस्टिंग पोजीशन, देन फिर चलाएं, शाबाश चलाएं, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है SLR, मतलब स्ट्रेट लेग रेसिंग। हम पेशेंट को कहेंगे जी अपना अपनी टांग उठाएंगे बिल्कुल सीधी, जहाँ तक आप इजीली लेके जा रहे हैं होल्ड इट, यहीं पे रखें, 10 टाइम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन रिलैक्स डाउन। दोबारा से उठाइए, होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन रिलैक्स। ये आपने इसकी रेपिटेशन करनी है 3 to 5 टाइम। थैंक यू सो मच।